या पुढच्या वर्षी लवकर या। आज अनंत चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन है। बड़ी तादाद में जो गणपति बप्पा के भक्त हैं वो रोड पर उतर चुके हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनको पानी और खाने का देने का काम लगातार एनजीओ सभी राजनीतिक पार्टी कर रही है। ऐसे में हम एक एनजीओ के पंडाल पर नारी सम्मान फाउंडेशन के पंडाल पर हैं, उनसे जानते हैं, उनकी अध्यक्ष सुंदरी ठाकुर जी उनसे जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आज गणपति बप्पा का विसर्जन है, क्या कहना चाहेंगी तमाम? पहले तो गणपति बप्पा बोलिया। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा 10वां साल पूरा हुआ है। तो सबसे पहले गणपति बप्पा को नमस्कार, साक्षात प्रणाम कि ऑलवेज 11-21वां साल भी मैं करूँ। और मैंने इसके लिए सच में बहुत मेहनत की है, मैंने, मेरी टीम ने, एवरी ईयर करते हैं लोग, कहाँ कहाँ से आते हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहुत खुश होती हूँ, साथ में पुलिस की कॉपरेशन बहुत अच्छी है, मुझे, मेरे लिए वर्सोवा पुलिस बहुत कॉपरेट करती है, इवन बॉम्बे पुलिस जितने भी हमारे एरिए से हैं सारे कॉपरेट करते हैं, मेरी टीम पूरा मेहनत करती है। और साथ में मैं ये देख रही हूँ कि हमारी कैमरा टीम, हमारी न्यूज़ टीम इतना, और जब मेरी आज बहुत तबीयत खराब है, मुझे वायरल हुआ है और मुझे बोलने की भी तकलीफ हो रही है। आज भक्तों को क्या क्या वितरण किया जा रहा है आपके फाउंडेशन द्वारा? आज मेरे भक्तों को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, 15,000 पैकेट हैं जो हम हमारे भक्तों के लिए हम बांट रहे हैं। जो भी हमारी श्रद्धा है बहुत छोटा सा है, हम कुछ नहीं कर सकते, बस जो भी है हम कर रहे हैं। मुनीश जी को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि शायद वो आने वाले हैं, अभी बहुत लोग आने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत मुश्किल होता है बांटना। बिल्कुल, यहाँ पर मुश्किल होता है, आपने बताया 10 सालों से आप यहाँ पर काम करते हो, आपके आजू बाजू में कई राजनीतिक पार्टियों के भी पंडाल लगे, ऐसे में एक एनजीओ आगे बढ़ के आना कितना सही मानते हैं? एनजीओ 10 साल से है यहाँ पे, राजनीतिक पार्टियाँ बहुत जल्द कम आई, दो तीन साल हुए हैं, बाकी यहाँ किसी का नहीं लगता था, बट मेरे से किसी भी पार्टी को कोई कभी तकलीफ नहीं हुई है। पार्टी को तकलीफ नहीं हुई है, यहाँ पर जो है वर्सोवा पुलिस की सीनियर पीआई है। मैडम, सिर्फ गणेश भक्तों को क्या शुभकामना देंगी आपसे जानना चाहेंगी? गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। आप सबसे जानना चाहेंगे, मैडम आज आप लोग यहाँ पर बिस्किट पानी वितरण कर रहे हो बप्पा के, भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, सुख शांति लाइए, जो बप्पा के साथ मिलकर सब मिलकर काम करते हैं और ये त्यौहार मनाते हैं उसी तरह भाईचारा निभाई, भाईचारा का जो त्यौहार, जिस तरीके से आज अनंत चतुर्थी का दिन है, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी का जो 10 दिन का पर्व होता है, ऐसे में मुंबई में पूरी तरीके से गणेश उत्सव बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है, आज गणपति बप्पा की विदाई हो रही, क्या कहना चाहेंगे? हर समय ऐसा ही सेवा करने का हमें मौका प्राप्त हो, बस और थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके? गणपति बप्पा मोरिया, पुरचावर्षी लौकरिया, गणपति बप्पा मोरिया, पुरचावर्षी लौकरिया। आप लोग कब से यहाँ पर बिस्किट बांट रहे हो? हमें करीब 2 घंटे हो गए हैं तब से हम बिस्किट और स्नैक्स सारे बांट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी, आज गणपति विसर्जन है, लोग बड़ी धूमधाम से ढोल ताशे के साथ, यानी ये माना देखा जाए कि मुंबई की सड़कें आज गणपति बप्पा के भक्तों से सराबोर है। हाँ वो तो है ही, काफी भीड़ है, लोगों में काफी हर्षोल्लास है जो देखने को मिल रहा है। हम चाहते हैं हर साल इसी तरह से ये चलता रहे और हम सब अमन की सेवा करते रहे गणेश भक्तों की। बिल्कुल, हम ऐसे गणेश भक्तों की सेवा करते रहे। हम आपको ये लाइन भी दिखाना चाहेंगे और अपने कैमरामैन पटेल जी से चाहेंगे कि ये लाइन दिखाएं कि लोग किस तरह से लाइन लगाकर यहाँ पर बिस्किट पानी और स्नैक्स ले रहे हैं कि जिसे उनको नाश्ते, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं बप्पा के दर्शन करने के लिए, उनको यहाँ पर कहीं पे वड़ा पाव, कहीं पे पानी तो कहीं पे बिस्किट, कहीं पे नमकीन और वेफर वितरित किया जा रहा है ताकि बप्पा के जो भक्त हैं उनको जो है कुछ खाने पीने की चीज़ मिले। लेकिन जिस तरीके से नारी सम्मान फाउंडेशन के द्वारा ये आयोजित किया गया है यहाँ पर, और यहाँ की जो अध्यक्ष है सुंदरी ठाकुर उनसे जानेंगे। मैडम, जिस तरीके से आपने बताया कि 10 साल से आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हो और आपकी इच्छा है कि 21 साल तक करूँ, मैं 21 साल तक ही रहना चाहती इसलिए 21 साल बोला, बाद में मेरे ये तो कहती सदियों तक चलता रहे मेरे फाउंडेशन का नाम। मेरे फाउंडेशन में प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे हैं, लेकिन जब यहाँ खड़े होते तो सब भूल जाते हैं हम कौन हैं। आप देख रहे हैं सारे हुंदा खड़े हुए हैं,
सच में आज मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मेरे को बोलने को भी नहीं हो रहा, पर मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं ये जो देख रही हूँ ऑलवेज मैं देखती रहूँ, और मैं ज़्यादा नहीं 65 इयर्स आई एम हैप्पी, उतना मेरा निकल गया ना, आई एम हैप्पी सच कह रही हूँ। और मैं जब ऐसा करती हूँ तो मैं मुझे दो चार दिन ऐसे लगता है कि और क्यों ना चले ये और क्यों ना चले। और अगर बात की जाए हेल्प की तो कौन कौन से लोग यहाँ पर हेल्प करते हैं आपको फाउंडेशन के लेकर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स बांटने के लिए या कोई सहयोग? सहयोग किसी का एक रुपए का सहयोग नहीं, किसी ने मेरे बहुत क्लोज ने थोड़ा बहुत कुछ दे दिया। मैं किसी से कुछ लेती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, मैं मेरे दम पे करती हूँ और पप्पा कराते हैं और मैं करती हूँ। कोई अपनी खुशी से जो दे देता है ठीक है, नहीं तो मैं किसी से नहीं लेती। संगठन कौन कौन से मुद्दे पर काम करता है? संगठन मुद्दे पे वैसे तो नारी का आपने देखा है, वुमेन रिस्पेक्ट फाउंडेशन एंड नारी सम्मान संगठन, हम नारियों का तो सदा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, हम खुद नारी हैं तो हमारा तो सम्मान ज़रूरी बनता है। और उसमें हम सीनियर सिटीज़न हो या हस्बैंड वाइफ हो, मैं हस्बैंड को भी इतनी अपॉर्चुनिटी देती हूँ अगर वो फैक्ट है तो, मैं उसको भी, बच्चे हो, मैं ऑलराउंडर, मैं आपको बोलूँ नारी सम्मान वुमेन रिस्पेक्ट फाउंडेशन है और रहेगा, पर उसमें मैं ऑलराउंडर काम करती हूँ जिसमें मुंबई पुलिस का बहुत सहयोग है मुझे, उसकी मदद से मैं बहुत सक्सेस हो जाती हूँ कि मैं फैक्ट के साथ रहती हूँ इसलिए वो मेरा साथ देते हैं। उनके ले लीजिए इंटरव्यू, बहुत अच्छा बोलती हैं जो खड़ी हैं। प्रिंसिपल मैडम जानना चाहेंगे, प्रणति सावंत जी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगी आपकी, जो आप एनजीओ से जुड़े हो, आप लोग किस फील्ड में काम करते हो, क्योंकि आज तो गणपति बप्पा के भक्तों की सेवा की जा रही है, और अगर हम बात करें तो एनजीओ क्या क्या काम करता है? एनजीओ बहुत कुछ करता है बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए बहुत प्रयत्नशील है, और नारी का जो भी आजकल जो भी उनकी समस्याएं हैं उसमें वो काम कर रहे हैं, और बहुत घरों में जिसके प्रॉब्लम्स है नारी को जो समस्या आजकल ज़्यादातर उनके घर वाले जो परेशान करते हैं उनके लिए सुंदरी मैडम ने बहुत आज तक बहुत कुछ किया है, और वो ज़्यादातर अच्छे से बता पाएंगे सुंदरी मैडम। इस तरीके से एनजीओ आज गणपति बप्पा के भक्तों को जो है बिस्किट नमकीन और चाय पानी बांट रहा है, लेकिन ऐसे में एनजीओ लगातार काम करता है। जिस तरीके से यहाँ पर भक्तों की अगर हम बात करें तो गणपति बप्पा के भक्त जो है पूरी तरीके से सड़क पर उतर चुके हैं बप्पा के अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि आज बप्पा की विदाई हो रही है, हर तरफ बप्पा के विसर्जन को लेकर लोग ढोल ताशे के साथ बप्पा को विसर्जित करने के लिए अपने घरों से निकल कर समुद्र की तरफ चल रहे हैं। हर चौपाटी पर अगर हम बात करें तो आज मुंबई के हर सड़कों पर आपको बप्पा के भक्त नजर आएंगे, गणपति बप्पा मोरिया पुर्चा वर्षी नौकर या के नारे के साथ वो बप्पा को विदाई देने की तैयारी में समुद्र की तरफ चल दिए हैं। सर्वप्रथम तो मेरे प्यारे राष्ट्रवासियों को मैं गणेशोत्सव की आज अनंत चतुर्दशी पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरी प्रभु
प्रथमेश से यही प्रार्थना है कि हम समस्त देशवासियों को सुखी और प्रसन्न चित्त रखें और हमारे देश को उन्नत बनाएं। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज ये हमारा जो दसम वर्ष है इस अभियान का, इसकी हमें अपार प्रसन्नता है और हम यहाँ के सभी स्थानीय लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आगामी वर्ष में गणेश जी का आगमन शीघ्र हो, इसी आशा और विश्वास के साथ हम उनकी सेवा में यहाँ तत्पर हैं।
गणपति अपने गांव चले कैसे हमको चैन पड़े। आज मुंबई में गणेश भक्त जो है पूरी तरीके से सड़क पर उतर चुके हैं। हर तरफ गणेश भक्तों को पानी बिस्किट बांटने का काम तमाम एनजीओ और राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं वर्सोवा विधानसभा की विधायक भारती लवेकर जी, उनसे जानते हैं। सब क्या कहना चाहेंगे मैडम, आज बप्पा से विदाई कर रहे हैं, भक्त किस तरह से आज सड़क पर उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज उनकी विदाई हो रही है तो बहुत दुख भी हो रहा है, लेकिन बप्पा गणपति बप्पा मोर या पुढ़चा वर्षी लवकर या ऐसे बोल के उनको हम अभी विदा कर रहे हैं। हर साल हम लोग यहाँ बैठते हैं, भक्तों को बांटते रहते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा होता है चलते चलते लोग थक जाते हैं, फिर पानी हो या शीरा हो या उपमा हो ऐसा सब कुछ हम उनको देते रहते हैं। और यहाँ से भक्तों के साथ जो देखते हैं उनसे बात करने का एक मौका मिलता है तो अच्छा लगता है। तो इस बहाने भक्तों को शुभेच्छा देती हूँ मैं और सबको शुभेच्छा देती हूँ, गणपति बापा मौर्या। आखिर तो क्या क्या वितरण किया जा रहा है, भक्तों को क्या क्या दिया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? हम वितरण कर रहे हैं शीरा, फिर उपमा, फिर सेव, बूंदी, बिस्किट, ऐसा एक के बाद एक हम दे रहे हैं, और पानी। इस हिसाब से अनंत चतुर्थी के मौके पर इन 24 के दर्शकों को भारती लवेकर किस तरह से शुभकामनाएं देंगी? आपको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि ये जो उत्सव है हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में बहुत जोर धमाके से ये उत्सव मनाया जाता है। आप इस उत्सव को अच्छी तरह से कवर कर रहे हो, यहाँ पे आए हो, तो आपको भी मैं शुभेच्छा देती हूँ, आपके चैनल को देती हूँ, आपका चैनल बहुत अच्छा हो आगे जाके। धन्यवाद। ये थी विधायक भारती लवेकर जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा गणपति बप्पा मोरिया पुर्चा वर्षी लोकरिया, इसी नारे के साथ आज वो गणपति बप्पा के भक्तों को जो है शुभकामनाएं देती है। कैमरामैन प्रोफेसर पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़।